के अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि धौलपुर में कांग्रेस की सरकार है। हो सकता है कांग्रेस की सरकार ने वैमनस्यता के कारण ये इल्ज़ाम लगाए हों। और वैसे भी हम देख रहे हैं दो तीन चार दिन से प्रियंका जी और राहुल जी राजस्थान पर ज़्यादा नज़र रखे हैं, तो हो सकता है उनके निर्देश पर कांग्रेस की सरकार ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हों। भैया कोविड, हमारी सरकार शुरू से कोरोना के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो ज़रूरत है उसके लिए पैसे की हमने कमी नहीं आने दी। GST के मामले में या बाकी किसी भी मामले में हमने आर्थिक अनुशासन का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हम हर कोरोना मरीज का सुचारू इलाज कराएंगे। बनाई थी कि सत्ता पक्ष के पास अध्यक्ष का पद हो और विपक्ष के पास उपाध्यक्ष का पद हो, परंतु कमलनाथ जी ने आकर नई परंपरा शुरू की। उन्होंने सत्ता पक्ष को ही स्पीकर भी दिया और सत्ता पक्ष को ही उपाध्यक्ष दिया, तो निश्चित रूप से हम उस लेटेस्ट परंपरा का निर्वहन करेंगे। जो कमलनाथ जी ने परंपरा शुरू की वही परंपरा हम भी निभाएंगे। मास्क का उपयोग करना चाहिए, कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसका उपयोग करना चाहिए। बीमारी आम और खास को देख के नहीं आती। यदि हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और वर्गों में विभाजित करके बीमारी को देखेंगे तो ये हमारी नासमझी होगी। मैं सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, उन सबको मास्क लगाना ही चाहिए। और ये मास्क लगाना हमारे लिए और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। यदि मीडिया इस तरह का विषय उठा रही है तो मैं मीडिया को बधाई दूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से जन जागरण बहुत ज़रूरी है। और मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, और ख़ासकर ऐसे स्थानों पर जहां भीड़ है या हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। कोरोना की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंतनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अलग अलग जिलों में अपनी अपनी आचार संहिताओं का पालन करने के लिए निवेदन किया है। जन जागरण बहुत तीव्रता के साथ हो, मास्क का लगाने का परिपालन, उस नियम के परिपालन के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। महाराष्ट्र से सटे हुए जिलों में जहां भी महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की हमने व्यवस्था की है, या प्रदेश के और स्थानों पर भी यदि महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हमने की है। ये सुनिश्चित करना हम सबकी का कर्तव्य है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। हम पहले से कहते हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसकी गति जरूर मध्यम हुई थी। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से चौक चौबंद होकर हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की हुई है, पर मेरा निवेदन है कि हम सब आचार संहिता का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि कोरोना फिर से ना फैले। कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और डूबती नैया का कोई भी बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जब डूबती हुई नैया है तो उसमें जिम्मेदारी कौन ले, ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। इसलिए कांग्रेस की ये गति है। फिक्र मत करिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जो गुजरात में कमल खिला है वैसा ही कमल मध्य प्रदेश में भी खिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बार पुनः स्थापित किया, गुजरात की जनता ने यह स्थापित किया कि इस देश में
किसी प्रदेश में या किसी शहर में यदि विकास की अवधारणा को ठीक ढंग से स्थापित करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही उस इबारत को लिख सकती है। इसीलिए गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती और ध्यान रखिए उस ही रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश में भी भाजपा जीतेगी। कांग्रेस के नेताओं को डर है कि वो बुरी तरह हारेंगे, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। एदल सिंह पर धौलपुर पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। रेत पर जो सरकार ने अब तक खर्चे किए हैं, अस्पतालों में पेमेंट किए हैं, प्राइवेट लैब्स को जो पेमेंट किए हैं, उसको लेकर श्वेत पत्र की मांग करने जा रही है कांग्रेस। किस मुंह से इस तरह की मांग कर रही है? कोरोना हमारी सरकार के समय नहीं आया, कोरोना उस समय आया था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी। पर कमलनाथ जी की सरकार ने और कमलनाथ जी ने कोरोना को लेकर कोई काम नहीं किया, वो तो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, आप उठाकर देखिए, जिस समय कोरोना पूरे देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में फैलने की स्थिति में था, तब कमलनाथ जी जैकलिन फर्नांडिस को, सलमान खान को बुलाकर रात की पार्टियां कर रहे थे। उन्होंने करोड़ों रुपए आईफा अवार्ड पर खर्च करने की तैयारी कर ली थी। हमारी सरकार ने तो कोरोना से मध्य प्रदेश को बचाने की कोशिश की। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में वो मध्य प्रदेश जो कमलनाथ जी के समय केवल 60 टेस्ट करने की क्षमता रखता था, वो उस मध्य प्रदेश में आज 35,000 टेस्ट हम करने की स्थिति में। हमारे हर जिले में वेंटिलेटर की हमने व्यवस्था की, कमलनाथ जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर स्तर पर कोरोना मरीजों का इलाज किया और फ्री में किया। अब यदि हमने फ्री में इलाज किया तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? यदि हमने जनता की सेवा की तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? अरे श्वेत पत्र तो आपको उस समय जारी करना था जब आपकी सरकार में आपसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ आयकर के छापे पड़े थे। कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के उस समय के कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के जो इतिहास रचे हैं उस पर कांग्रेस की सरकार को श्वेत पत्र जारी करना था। हमारी सरकार ने तो लोगों की जान बचाई है और हम आगे भी जनता के लिए हमें जो करना पड़ेगा, जनता के लिए हमें जितना खर्च करना पड़ेगा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हमें जितना पैसा लगेगा हम करेंगे। हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश में हर कोरोना मरीज के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन से लेकर और कोरोना के इलाज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। जनता पे हमें जितना पैसा लगाना होगा लगाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को तो लगता है कि उनके घरों में पैसा पहुंच जाए, गरीब जनता तक नहीं पहुंचे। मुझे आश्चर्य है कि हम यदि कोरोना मरीजों का इलाज करा रहे हैं तो उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति।